पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। पिछला 2018 में हमने 1,70,00,000 वोट दिया, मौजूदा 8 फरवरी को सबसे ज्यादा वोट हमें पड़ा। लेकिन अगर रातों रात आप 31 साल के हमारे लीडर को सजा दे दें, खान साहब को, आप तमाम हमारे कैंडिडेट्स को अगवा कर लें, आप उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करवा दे, वो ट्राइब्यूनल में जाए, उसके बाद हमारे आप लोगों को ऑलरेडी पता था निशान लिया जा रहा है, तो ये काम ऑलरेडी पहले से नहीं कर लेना जाना चाहिए था। अच्छा ये फिजा ये किस मुल्क के अंदर और आपके जो वकला हैं जो पार्टी के जो इलेक्शन लड़ते फिर रहे थे, जिसके बारे में आपके पार्टी के सीनियर लोग कहते हैं उन्होंने हाईजैक किया हुआ पार्टी को, वकला, खैर वो लंबी बहस है, उस पर आप कॉमेंट देना चाहते तो दे सकती है, वकला ने किस तरह पार्टी को हाईजैक किया हुआ और जब अपने केसेस की तैयारी के बगैर चले जाते हैं अक्सर पेश ही नहीं हो रहे होते। फिजा आपने जो अभी आज मुशरा बीबी वाला मामला है अदम पैरवी की वजह से ना, 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 पहले मेरी पूरी बात सुनो फिजा, अभी आपने खुद अपने सवाल के आपके सवाल के अंदर जवाब है। आपने कहा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या मुल्क को पता था कि हमारे पार्टी का निशान छीनने वाला, क्योंकि आप लोग बताते थे ना बार बार, नहीं इसका मतलब है कि सिस्टम हमारे खिलाफ था, इसका मतलब है कि ये तय कर लिया गया था बंदरबाजों के पीछे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुरा के इसके लीडर को जो है वो पहले उनको पर बाकायदा एक अटैक किया गया था। भूल रही है ना फिजा, पहले मेरी पूरी बात सुन लें, इंटरा पार्टी जो इंतखाबात है जब आप रहनुमा ने खुद माना कि उसमें गलती हुई उसको भी तो हम फिर प्लीज। यानी कि इस मुल्क के चंद मुक्तदर इदारों ने पीएमएलएन की इमा के ऊपर, क्योंकि पीडीएम पीएमएलएन ही बेनिफिशियरी है इस फॉर्म 47 के जरिए, उनको ही पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मुसल